सारा प्यारी प्यारी राम राम मेरी YouTube फैमिली। और आज मैं राजस्थानी राबड़ी बनाने जा रहा जकी सुबह खाई जाए। अभी मैं इन बनावांगा और बिन सुबह किया खावांगा वो मैं बतावांगा। तो अभी मैं इंग मान ले ली है लस्सी, लस्सी नी कितनी लस्सी, दो गिलास लस्सी और आटो बाजरी को कितो, दो कुछिया, दो कड़छी बाजरी का आटा जो हमने अभी अभी ताज़ा ताज़ा पीसा है और अभी पीस ही रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़े से मैंने मोठ डाल दिए हैं और बाजरी का आटा ताज़ा ताज़ा पीसा जा रहा है। और ये और बाजरी हमारे पास ये पड़ी है कि जो जो हम बनाएंगे, जी हाँ मैं आटो फिर तैयार कराऊंगा, बीच में हिंदी निकल जाए मेरा। हाँ बाजरी है गाँव मुलेड़ी और देखो देसी बाजरी है छोटी छोटी और वो आटो तड़का खातर भी सीजन लाग रहे है आज वो तो वे पीस गए छान गए और वही तो बचो है पीस गए छान गए और इंगमा मिला लियो है। इंगमा सिर्फ लस्सी और अभी बाजरी को आटो है। लून दीदी कह का को नहीं गेरा ज़्यादा खट्टी हो जाए बनाऊंगी जल्दी गेरा। अच्छा वो क्या करें पानी। अच्छा अब इंगमा दो गिलास पानी और गेर देंगा, दो गिलास नहीं मिल जाएगा इन तावड़े में। हाँ और बिना पकाएंगे। अच्छा तो इसको अभी हम अच्छी तेज धूप है आज बार हमारे, ये देखिए 3-4 दिन पहले तो मौसम खराब था तो अभी मैं इसको धूप में रखवा देती हूँ। और है जग में डाल दी। हाँ जग तो मेरे की और पड़ी हुआ है लोटो दे रहे। अभी हम इसको कितने देर खातिर रखी करे, वो भी 2-3 घंटा। अच्छा 2 घंटे के लिए। अभी जैसे 4 बजे तो 6 बजे तक इसको हम धूप दिखाएंगे। वहाँ रखा ना जो लाइट है ना, लाइट के पास रखा ना वहाँ, अच्छी धूप है ना अपनी, गेट लाइट है ढक के उसके ऊपर रखी वो प्लेट से ढक ले। इसमें और डालना पड़ेगा ना, आप रहने दो कल ताजा और पीस लेंगे। तो ये हो गया है हमारा लस्सी का प्रोसीजर पूरा। और इसको एक स्टील की प्लेट से ढक लो और वहाँ रख के आ जा, मैं भी आ रही हूँ। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और इसको हम रख देते हैं यहाँ धूप में 2-3 घंटे के लिए। 6 बजे उतार लेना इसको है। हाँ जैसे धूप चली जाए ना तो इसको फिर अंदर रख देंगे रात भर के लिए। तो बस 2 घंटे खातर रख दिए और फिर दिन का जी आप पकावांगा वो भी हम बताएंगे। बहुत टेस्टी लगती है और इससे लू नहीं लगती बिल्कुल भी। लू से बचने का ये रामबाण इलाज है राजस्थान में। अब तो आम पन्ना वगैरह पी लेते हैं, पहले कुछ नहीं होता था। ये राबड़ी पी के काम कोई होता नहीं था, सारा दिन सोए रहते थे। लेकिन अब और भी काम करने पड़ते हैं तो राबड़ी पीनी कम हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि इससे फिर अनाज से नशा टाइप हो जाता है और सारा दिन सोए रहते थे लोग। तो अभी धूप चली गई है और जो हमने बाजरे का आटा लस्सी में घोल के रखा था उसको हम अंदर ले आए हैं और थोड़ा खमीर टाइप इसका उठ गया है। और अब इस जो ऊपर ऊपर जो पानी जैसा आया है इसको पहले पकाएंगे हम और उसके बाद जो नीचे तले में है उसको भी बाद में डालेंगे। तो अभी बाबा ही बतावे कि भाई इंगो के करनो है आगी, मैं तो सिर्फ यही करूँ। हाँ ले देख के करेगी इंगो। तो अभी हम इसको छान लेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे कोई आटे में कोई फूस वगैरह है, कोई तिनका है, कई बार कोई बाल वाल आ जाता है, कोई इसका ऊपर का छिलका है। तो इसको हमने छान लियो है भाई और अब रख दियो है चूल्हा पर। पहले चूल्हा होता अब है गैस हो गई है। चूल्हा पर बनावे तो और भी के मज़ेदार राबड़ी बने, घोट घोट के बहुत देर तक। अभी कितना उबाल देना है फिर? बस एक उबाल वाले दो डाल दे। अच्छा जैसे ये एक उबाल आएगा तो हम उसका जो बाकी का मटेरियल है नीचे जो है वो डाल देंगे। और अभी हम क्या डालेंगे? नमक, ओनली नमक, बस सिर्फ बाद में सुबह नमक गिरेंगे उसमें। अच्छा एक मैं कौन गिर लो मैं गिरा। अच्छा तभी हम एक उबाल आने का इंतजार करते हैं इसका।
तो हमारे खड़े खड़े ही एक उबाल आ गया है इसमें, और अभी हम जो ये बचा हुआ आटा है वो इसमें डाल देंगे। और अब इन कितनी देर पकावेंगे? 10-15 मिनट। अच्छा 10-15 मिनट इन मीडियम आंच पर। ना एक कट होते हैं। अच्छा तेज रहने दे। एक उबालो आन आनते ही इन इलायची लागे पकाओ। फट जाएगी इसको। अच्छा अगर नहीं हिलाएंगे तो ये फट जाएगी, क्योंकि लस्सी है ना इसमें, तो लस्सी और देह का फटने का डर रहता है। फटने का मतलब कपड़ा फटता है ऐसे नहीं, ऐसे अलग अलग हो जाती है। तो ये इसको जब तक ये एक उबाल नहीं आ जाए तब तक इन हिलाता रहो। और जब एक इलाज आ जाए गाड़ी होगी, ये देखते देखते ही गाड़ी होगी उसकी, कस्टर्ड की तरह। ये एक किस्म का कस्टर्ड ही है, देसी कस्टर्ड है ये, पर इसको फिर हम सुबह खाएंगे। सुबह इसमें प्याज व्याज मिला के और भी की मिलाई जाए, जीरो भून देंगे। अच्छा भुना जीरा और प्याज के साथ इसको फिर हम सुबह खाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको पका के। अब हमारा सुबह हो गई है, और अभी जो हमने कल राबड़ी बनाई थी उसको और लासिम डाल चुके हैं। इन दिखा तो दे कड़छी हूँ घी की, गाड़ी कैसी हो गई थी। हाँ गाड़ी कैसी हो गई थी। तो ये हमने और लस्सी है नी, जो कडौनी हरी लस्सी है बिंग माल वो गेर दी है, दिखा। और अब इसको हम बस डायरेक्ट पी सकते हैं, गाड़ी लस्सी भी बोल सकते हैं इसको। ये जो हमने पकाई थी ये वो है मदानी कोनी के, क्या अभी इसमें मदानी डालेंगे, वो डला ले ग्राइंडर से चला ले, अब नया जमाना आ गया है। हाँ मदानी मजूड़ी गठे मिलेगी, चला दे इसको एक जी करते। हाँ अब इसको हम ग्राइंडर से कैसे कर लेंगे अभी बताते हैं। अब मदानी ना भी हो तो कोई बात नहीं, कई घरों में नहीं होती है, मेरे पास है लेकिन वो ढूंढनी पड़ेगी, आजकल ज्यादा काम इसी से होते हैं। तो ये हमारी बन गई है राबड़ी बिल्कुल तैयार। कर ची देना इसकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेते हैं कि कैसी है, ये पीने लायक है बिल्कुल। अब इसको गिलास में प्याज वगैरह डाल के और उसके साथ पी सकते हैं, उसका प्याज का फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा। और गर्मियों में लू नहीं लगती हम की बार, तो भगवान ने बड़ा अच्छा मौसम कर रखा है तो लू का है ही नहीं। ये अभी दीदी चख के बतावेगी किसी का, ये ऐसी बाटी ले लो और ऐसे पी लो। है सही है, वाह मजा आ गया। लुओ में तो ये अमृत है, अब की बार तो बरसात हो ही जा रही। अभी बरसात थमी है, मौसम सुहाना हो रखा है, लेकिन फिर भी हम इस मौसम में पी सकते हैं इसको। तो ऐसे आप राबड़ी बनाओ पियो और पिलाओ, कोई खर्चा नहीं है इसमें। और इसमें लस्सी जितनी पतली करनी है आप लस्सी डालते जाओ और पीते जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।